बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे चैनल पर। आज मैं आपको पिज़्ज़ा रेसिपी बनाना सिखाऊंगी विदाउट ओवन इन पैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पे पैन गरम करने की रख दिया था। अब इसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है, आपके पास ऑयल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। घी गरम हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा हमें इसको चलाना है। यहाँ पर मैंने लिए शिमला मिर्च, टमाटर, ऑनियन, आप और भी कोई सब्ज़ी ले सकते हैं और यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाइए, इसको अच्छे से चलाते रहना है। फ्लेम आप अपनी हल्की ही रखिए, फ्लेम को हल्का ही रखना है, तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाना है वरना सब्ज़ी नीचे लग जाएगी। इसको अच्छे से पकाते रहना है जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाए। हमें इतना भी नहीं पकाना है कि सब्ज़ी बिल्कुल गल जाए, और इतना भी नहीं रखना है कि सब्ज़ी कच्ची रहे। मीडियम मीडियम उस पर आँच पर उसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए, अभी यहाँ पर हम एक चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच ओरिगेनो, एक चीज़ क्यूब और सॉल्ट यहाँ डालेंगे। ये सब अच्छे से ये मसाले सब यहाँ पर इसको डालने हैं। इसको अच्छे से चलाना है, मसाला अच्छे से मिल जाए जब तक इसको चलाते रहना है। मैंने यहाँ पर चीज़ इसलिए डाली है, चीज़ डालने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ क्यूब डाली है। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज़ क्यूब ली है, कोई सी भी मार्केट में मिल जाएगी, शॉप पर अवेलेबल होती है ये चीज़ क्यूब, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। फ्लेम हल्का ही रखे हम अपना, सब्ज़ी को चलाते रहना है। ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और इसमें चीज़ का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आएगा। आप यहाँ पर एक क्यूब डाल दें चीज़ की। यहाँ पर मैंने वीबा की पिज़्ज़ा सॉस ली है, पिज़्ज़ा केचप ली है यहाँ पर मैंने वीबा की, आप इसी कंपनी की डालें यार, आप अगर आपको कोई कंपनी की डालनी है आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चम्मच वीबा की पिज़्ज़ा केचप लिए, एक चम्मच यहाँ पर डालना है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है। ये अच्छे से इसका अच्छे से इसको पकाना है, ढककर नहीं पकाना है वरना सब्ज़ी पानी छोड़ देगी, आपको उसको खोल के ही पकाना है। ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। फ्लेम हल्का ही रखिए और बस इसमें ये ध्यान रखना है इसको चलाते रहना है, क्योंकि सब्ज़ी नीचे लग जाती है तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड ली है, आप किसी भी शॉप से पिज़्ज़ा ब्रेड मंगा सकते हैं, और पिज़्ज़ा ब्रेड ताज़ी ही लीजिए, फ्रेश ब्रेड लीजिए। और यहाँ पर अच्छे से पिज़्ज़ा केचप लगानी है। केचप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम ही केचप लगाई है। अब यहाँ पर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग हमें अच्छे से करनी है, इसमें हल्की सब्ज़ी नहीं लगानी है, अच्छे से यहाँ पर सब्ज़ी को लगाना है पिज़्ज़ा ब्रेड पे। अब यहाँ पर हम चीज़ डालेंगे, मैंने एक एक क्यूब ली है यहाँ पर चीज़ की। चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम ही चीज़ डाली है। वैसे बच्चों को आप अपने बच्चों के लिए बनाएं तो आप बच्चों के लिए चीज़ ज़्यादा डालिए, बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है, मेरे बच्चों को भी चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक पूरी क्यूब ली है। देखिए पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम पैन में बनाएंगे। पैन को मैंने पहले से ही हीट पर रख दिया है, इसको अच्छे से हीट होने दीजिए। इसमें एक चम्मच देसी घी डालिए, देसी घी डालने के बाद फ्लेम हम हल्का कर देंगे और पिज़्ज़े को हम बैक करेंगे। ये देखिए
पिज़्ज़े को हमने बैक करने के लिए रख दिया है और फ्लेम हमें हल्की ही रखनी है। ध्यान रखें फ्लेम अब तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से जल जाएगा, इसलिए हल्की फ्लेम पे ही बनाना है। हल्की आंच पे 5 मिनट्स तक पकाना है इसको। हल्की आंच करके इस पे प्लेट ढक देंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो गया है हमारा। हम यहाँ पर एक ट्रे में पिज़्ज़े को रख देंगे और इस पे किसान टमाटो केचप डालेंगे। इस कंपनी की ही केचप लीजिए, अगर आपको और कंपनी की पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर किसान टमाटो केचप बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर वो डाली है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसी कंपनी की ली है। अगर आप विदाउट केचप खाना चाहते हैं तो आप वो डाल के तक खा सकते हैं। ओरिगेनो आप इसके ऊपर ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। मैंने वैसे यहाँ पर जब सब्ज़ी की स्टफिंग बनाई थी तो मैंने ओरिगेनो पहले ही डाल दिया था, इसलिए आप देख रहे हैं। आप इस पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले में सब चीज़ें पहले ही डाल दी थी। अभी हम आपको एक पीस निकाल के दिखाएंगे कितना कितना अच्छा सा ये क्रिस्पी हो गया है। पैन में आप पिज़्ज़ा बनाए गाइस बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए खाने ये देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में लिख के भेजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।